हेलो स्टूडेंट, इट्स क्लास फोर्थ इंग्लिश. नाउ टाइम फॉर चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज चैप्टर 1, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. यानी कि रेन कितनी खूबसूरत है. इस पोएम में आपको बताया गया है कि रेन कितनी खूबसूरत है, उसको हम देखेंगे तो कितनी अच्छी लगती है रेन. और तब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब हॉट समर हो. समर के बाद जब रेन होती है उस टाइम पर रेन बहुत अच्छी लगती है. देखिए, जैसे हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, यानी कि हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन. रेन कितनी खूबसूरत लग रही है आफ्टर द डस्ट एंड हीट, इतनी धूल और इतनी गर्मी के बाद. इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, इन ब्रॉड यानी कि चौरी, फेयरी हॉट गरम, स्ट्रीट मीन्स गली, इन चौरी और इन गरम गलियों में. इन द नैरो लेन, नैरो थिन एंड लेन रास्ता, कोई भी गली, यानी कि इन गलियों में, इन गर्मियों में जो गर्माई है, जो गर्म गर्मी है गलियों में, और कुछ जो पतली गलियां हैं उनसे जो बारिश हो रही है, बहता हुआ बारिश का पानी जा रहा है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है. हाउ इट क्लैटर अलोंग द रूफ्स, इनकी आवाज पर, छतों पर कैसी दस्तक हो रही है. क्लैटर यानी कि दस्तक, लाइक द ट्रम्प ऑफ हूफ्स, जो छत पर दस्तक हो रही है बारिश की वजह से, वो ऐसा लग रहा है जैसे जो हॉर्सेस जब भागते हैं तो उनके खुर की जो आवाज आती है उस तरीके की आवाज, उस वैसी दस्तक छत पर हो रही है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, उसका पानी छत पर बहुत तेजी से गिर रहा है. हाउ इट गश एंड स्ट्रगल्स आउट, यानी किस तरीके से गश यानी कि फ्लो होना, किस तरीके से फ्लो हो रही है, बहकर बाहर आ रही है. फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, यानी कि जो छत पर जो पाइप्स लगे हुए हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ से पानी छत से गिर रहा है, कितनी फ्लो तेजी से गिर रहा है, क्योंकि छत पर बारिश हो, बारिश सब जगह हो रही है, छत पर भी हो रही है, तो छत पर जो पानी एक साथ बह कर आ रहा है आपके पाइप से, वो बहुत तेजी से बह कर आ रहा है, और जो उसकी जितनी भी गंदगी है सब कुछ अपने साथ लेकर आ रहा है. अक्रॉस द विंडो पेन, विंडो के पार, इट्स पुअर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइट विद ए मडी टाइड, यानी कि विंडो के पार पोएट देख रहे हैं कि सब कितना, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, और जो हमारी गलियों में डस्ट है वो भी अपने साथ लेकर जा रहा है बारिश का पानी, और जो मडी टाइड यानी कि जो गंदा पानी है वो भी बहकर जा रहा है, और जो वहाँ पर कीचड़ जमी हुई है उन गलियों में वो भी अपने साथ बारिश का पानी बहाकर लेकर जा रहा है. और पानी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो इसलिए पानी का फ्लो जो है वो भी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से पानी गलियों से निकल कर बाहर जा रहा है. लाइक ए रिवर डाउन द गटर रोअर्स द रेन द वेलकम रेन, यानी कि वो पॉइंट कह रहे हैं कि जो हमारी गलियों की जो नाली हैं वो उसमें पानी इतना तेजी से बह रहा है, वो मानो ऐसे लग रही हो जैसे कि वो रिवर यानी कि नदी हो. यानी कि बारिश बहुत तेज हो रही है, अब बारिश तेज हो रही है तो सारा पानी नालियों में जाता है, मोरी में जाता है, तो वो भी इस तरीके से बह रही हैं कि वो नदी की तरह लग रही हैं, इतना ज़्यादा पानी भर चुका है, वो फ्लो कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही हो. इसलिए वो अब रेन का वेलकम करता है कि इतनी गर्मी के बाद बारिश हो रही है, तो बारिश के बाद ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, इनकी अब गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी के बाद ठंडा मौसम आ रहा है, तो इसलिए वो पोएट वेलकम करता है रेन का. लेट्स कंप्लीट योर पोएम नाउ. इट्स न्यू वर्ड्स, ये वर्ड मीनिंग्स हैं, आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेक द करेक्ट ऑप्शन. ये MCQs हैं, आपको यहाँ पर चॉइस दी हुई है, उसमें से जो आपका एक आंसर राइट है उस पर टिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट. 1. हाउ ब्यूटीफुल इज द, इनकी कितनी खूबसूरत है रेनबो, रेन या डे, तो रेन. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, रेन कितनी खूबसूरत लग रही है. 2. इन द डैश एंड फ्यूरी स्ट्रीट, यानी क्या है पोएम में, इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, यानी कि इन ब्रॉड और इन गर्म गलियों में, तो ब्रॉड करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, हाउ इट डैश अलोंग द रूफ्स,
तो छत पर क्या है? दस्तक है, यानी कि क्लैटर्स। तो हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ। नेक्स्ट, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द डैश स्पाउट, यानी कि जो थ्रोट यानी कि टोंटी या कोई पाइप। तो जो पाइप से जो पानी आ रहा है वो क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि भर कर बह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ओवरफ्लो। ओके, नेक्स्ट टिक करेक्ट। यहाँ पर राइट और रॉन्ग करना है आपको। जो सेंटेंस आपका राइट है उस पर राइट टिक करना है, और जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग का साइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। द रेन कम्स आफ्टर द डस्ट एंड हीट, यानी कि रेन डस्ट और हीट के बाद आती है, आई थी। सो यस। नोबडी इज हैप्पी विद द रेन, यानी कि रेन से कोई खुश नहीं हुआ था, इट्स रॉन्ग। रेन से सब खुश होते हैं। थर्ड, द रेन मेक्स अ क्लैटरिंग साउंड ऑन द रूफ, यानी कि रेन की वजह से छत पर दस्तक हो रही थी, यस। द रेन फॉल्स थ्रू द विंडो पेन, यानी कि इट्स मीन्स जो विंडो पेन से होकर के बारिश जा रही थी, नहीं, विंडो के पार थी बारिश, यानी कि बाहर थी, घर के बाहर। द रेन फ्लोस थ्रू द ड्रेन्स लाइक अ रिवर, यानी कि रेन जो फ्लो हो रही थी, बारिश का पानी, वो ऐसा लग रहा था जैसे एक रिवर है, यस, वो रिवर की तरह लग रही थी। अब नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से आपको वर्ड चूज करने हैं डेट राइम विद द फॉलोइंग, जो उसकी राइम बन रही हो। जैसे द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक कंप्लीट है। देखो राइम यानी कि हम जो भी वर्ड है हमारे पास उसी के ही जैसा हमें दूसरा वर्ड फाइंड करना है। रेन रेन बोल रहे हैं, लेन, रेन और लेन दोनों ही सुनने में सेम आ रहा है, लेकिन वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन वॉइस इसकी सेम होगी। इस तरीके से हीट 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 की राइम है स्ट्रीट, STRET, स्ट्रीट। तो ये राइम इसकी बन रही है हीट स्ट्रीट। नेक्स्ट रूफ्स, अब हमें इसी का ही मैचिंग वर्ड देखना है, रूफ्स हुफ्स, सेम वर्ड हो गया, तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे हुफ्स। फोर, आउट स्पाउट, ये सारे वर्ड्स आपके पोएम के ही हैं। तो आउट का मैचिंग वर्ड है यानी कि राइम है उसकी स्पाउट। नेक्स्ट वाइट, वाइट की राइम है टाइड, यानी कि हम बोलने में चाहे हमारे वर्ड अलग हो, मीनिंग्स अलग हो, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे तो उसको वॉइस यानी कि जब हम सुनेंगे उसे तो उसकी वॉइस सेम आनी चाहिए, वही हमारी राइम होती है। सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड डू दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक।